गोविंदा ने सलमान खान की गुजारिश पर फिल्म छोड़ दी थी, जो बाद में सुपरहिट साबित रही। शुरुआत में फिल्म में करिश्मा और गोविंदा को कास्ट किया गया था। गोविंदा ने कुछ हिस्से की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन सलमान के कॉल्स ने उन्होंने इस फिल्म से दूरी बना ली और फिर फिल्म में सलमान की एंट्री हो गई थी। इसका खुलासा गोविंदा ने एक इंटरव्यू में किया था और बताया कि कैसे सलमान के कहने पर शूटिंग स्टार्ट हो चुकी फिल्म को उन्होंने छोड़ दी। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो फिल्म कौन सी थी जिसको सलमान के कहने पर गोविंदा ने छोड़ दी थी। देखिए, एक इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया है कि कुछ वक्त के ब्रेक के बाद जब वो फिल्मों में वापस लौटे थे, तब सिर्फ सलमान ने ही उनकी हेल्प की थी और उनके साथ खड़े रहे थे। वो दोनों ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। बातचीत में गोविंदा ने बताया कि 1997 में रिलीज हुई डेविड धवन की फिल्म जुड़वा पहले उन्हें ऑफर हुई थी। उन्होंने कहा, उस समय मैं करियर के टॉप पर था। जब फिल्म बनारसी बाबू की शूटिंग चल रही थी, मैं उस समय फिल्म जुड़वा पर भी काम कर रहा था। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तब एक दिन करीब 2 से 3 बजे सलमान ने मुझे कॉल किया और पूछा, चीची भैया आप कितनी हिट फिल्में देंगे? ये सुन मैंने पूछा, क्यों क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा, अभी आप जिस फिल्म जुड़वा की शूटिंग कर रहे हैं, प्लीज आप उस प्रोजेक्ट से हट जाइए और मुझे वो दे दीजिए। फिर सलमान के खातिर जो फिल्म पहले से फ्लोर पर जा चुकी थी, उसे वही रोक दिया गया और इस तरह सलमान इसका हिस्सा बन गए। गोविंदा ने आगे कहा, मैं फिल्म जुड़वा का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन मैं शुरुआती प्रोजेक्ट का हिस्सा था। खान हमेशा मेरे लिए परिवार जैसे हैं। जो बॉन्ड हम शेयर करते हैं, वो फिल्म या किसी प्रोजेक्ट से इफेक्ट नहीं होता। हमारा काम कभी हमारे रिश्तों के बीच नहीं आता है। सलमान और सोहेल खान हमेशा मुझे पूरे सम्मान के साथ बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ये वो प्रोटोकॉल है जो इस इंडस्ट्री में हर जूनियर और सीनियर फॉलो करता है। भगवान सलमान की हमेशा रक्षा करें। कुल मिलाकर सलमान की झोली में फिर जुड़वा चली गई और गोविंदा इस फिल्म से बाहर हो गए। साथ ही करिश्मा ने फिल्म में काम किया। इसके साथ ही फिल्म में रंभा भी सलमान के साथ नजर आई थी। जानकारी के लिए बता दें कि सलमान और गोविंदा ने साल 2007 की फिल्म सलामे इश्क और पार्टनर में एक साथ काम किया था। फिल्म पार्टनर के बाद दोनों किसी भी फिल्म में साथ नहीं दिखे। हालांकि उनके फैंस अभी भी डिमांड करते रहते हैं कि दोनों साथ में काम कर फिर से स्क्रीन शेयर करें। हालांकि फिल्म पार्टनर के साथ काम करने के बाद सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा था, फिल्म पार्टनर में गोविंदा के साथ काम करके बड़ा मजा आया। भले ही मैं उनके साथ काम करने में डरता हूँ। सोचिए, एक इंसान एक फिल्म में कितनी कॉमेडी कर सकता है। यही वजह है कि मैं गोविंदा के साथ स्क्रीन शेयर करने में डरता हूँ। मैं गोविंदा के ऑन स्क्रीन मौजूदगी का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। डांस और कॉमेडी के लेवल पर मैं तो उनकी बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। खैर, बता दें, जिस फिल्म को गोविंदा ने सलमान को दे दिया था, वो जुड़वा 1997 में रिलीज हुई थी और 6.25 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 24.28 करोड़ रुपए की कमाई की थी और इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया और फिल्म एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।